7 किलोमीटर दूरी तय कर मतदान करने जाते हैं मुरली पंचायत के मतदाता। पूर्व मुखिया के साथ ग्रामीणों ने अनुमंडल पदाधिकारी को मामले से कराया अवगत। रंगरा चौक प्रखंड के मुरली पंचायत के लोगों को 7 किलोमीटर की दूरी तय कर मतदान करने जाना पड़ता है। इस बाबत लगभग 200 मतदाताओं ने पूर्व मुखिया सुबोध साह के नेतृत्व में नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर गांव में ही मतदान केंद्र बनाने की मांग की है। जानकारी मिली है कि पंचायत के वार्ड नंबर 8 के लगभग 200 मतदाता 7 किलोमीटर दूरी तय कर मतदान करने के लिए रंगरा गांव के मतदान केंद्र पर जाते हैं। मतदान केंद्र 7 किलोमीटर दूर रहने के कारण गिने चुने ही मतदाता मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाते हैं, जबकि अधिकांश लोग अपने मताधिकार से वंचित रह जाते हैं। सुबोध साह ने कहा कि उन लोगों की समस्या पर अनुमंडल पदाधिकारी ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। रंगरा के सधवा गांव में पुलिस ने की छापेमारी, 25 लीटर देशी शराब बरामद। पुलिस ने गुरुवार को देर शाम सधवा गांव में छापेमारी कर 25 लीटर देशी शराब बरामद किया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सधवा गांव के सुनील साह के घर से 25 लीटर देशी शराब बरामद किया है। जानकारी मिली है कि छापेमारी के क्रम में गृह स्वामी सुनील साह मौके से भाग गया। मामले की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज कर ली गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के महाराज मंडल टोला के कारकुन मंडल की 12 वर्षीय पुत्री रूपा कुमारी की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। गुरुवार को पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। घटना की बाबत रंगरा पुलिस ने UD केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मृतका के परिजनों ने कहा कि रूपा प्रखंड के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ती थी। कोरोना काल में स्कूल बंद हो जाने के बाद वह घर पर ही रहकर पढ़ा करती थी और गांव में ही एक शिक्षक के यहां ट्यूशन पढ़ने जाती थी। मृतका के पिता ने कहा कि दोपहर उसे पता चला कि रूपा ने अपने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली है। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि रूपा बांस के सहारे लटक रही थी। आसपास के लोगों के सहयोग से रूपा को उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी जान चली गई थी। पिता का कहना है कि रूपा पढ़ने में कमजोर थी, जिस कारण वह टेंशन में रहा करती थी। टेंशन के कारण ही उसने आत्महत्या कर ली। इधर कई ग्रामीणों ने अपना नाम जगजाहिर न करने के शर्त पे बताया है कि घटना का कारण प्रेम प्रसंग है। बहरहाल रंगरा पुलिस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर चुकी है। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है, जो सच्चाई है उसे जरूर सामने लाया जाएगा। हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। रंगरा थाना क्षेत्र के साधोपुर गांव में पिछले वर्ष हुए एक किसान की हत्या मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों के घर पर पुलिस ने डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपकाया है। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान की हत्या मामले में साधोपुर निवासी वरुण मंडल, सीपक मंडल, पिंटू मंडल घटना के बाद से ही फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इश्तेहार चिपकाते हुए चेतावनी दिया है कि अगर आरोपी 15 दिनों के अंदर खुद को पुलिस के हवाले नहीं करते हैं तो पुलिस उनके घरों की कुर्की जब्ती करेगी। आज की खबर में बस इतना ही। धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हेतु GS न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।